नमस्कार दोस्तों, नयन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम के बारे में, जो 23 तारीख और 24 तारीख को होना है। 23 जून और 24 जून को जो होना है, एडमिट कार्ड भी आप लोग को रिलीज हो गया, एडमिट कार्ड भी आप लोग को मिल गया होगा। तो मैं आज बात करूँगा, बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट है कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। मतलब आप यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो आपका नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें कि नहीं करें, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको बनाएं या नहीं बनाएं। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग इस डाउट को मैं आपका क्लियर करूँगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि 23 तारीख को होने जा रहा है, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन कितना है, तो आपको पता है फिजिक्स का 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन है और मैथ का आपका 30 क्वेश्चन है। टोटल आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल नंबर कितना है? 450 नंबर का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। तो ये 450 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 90 क्वेश्चन जो होगा, सपोज करो आप 60 क्वेश्चन बनाएं। कितना क्वेश्चन बनाएं? 60, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका सही है और 10 क्वेश्चन आपका क्या है? गलत है। तो बच्चों लोग के मन में डाउट है कि सर तो इसमें नंबर हमको कितना मिलेगा। तो जो 50 सही है मेरा, 50 जो सही है उसके बदले बताओ 5 नंबर के हिसाब से कितना हो गया? 250। जो नंबर कितना हो गया? 250। तो जो ये 10 गलत है उसके बदले क्या नंबर कटेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको 250 नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं है। इसका मतलब आप 90 में 90 क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगर आपका 50 सही है, 40 गलत है, कोई दिक्कत नहीं, 40 नंबर 40 क्वेश्चन जो आपका गलत है उसके बदले में आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। ये जो 50 सही है इसके बदले जो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? और आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोल सकते हो कि नेगेटिव नहीं है? तो देखो, यदि नेगेटिव मार्किंग होता तो आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा जाता, एडमिट कार्ड में भी लिख देता कि एक सही के लिए इतना नंबर है और गलत के लिए इतना नंबर काटे जाएंगे। जैसा कि झारखंड पॉलिटेक्निक या जो भी रेलवे का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देते हो तो उसमें लिख देता है कि एक क्वेश्चन में आपको एक नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 1/3 काटा जाएगा या 1/4 काटा जाएगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपका ना एडमिट कार्ड में दिया हुआ है ना ही कहीं प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल है कि नेगेटिव मार्किंग है। प्लस मेरा बहुत सारा स्टूडेंट पिछले साल भी बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ भी रहा है। बिहार पॉलिटेक्निक का बहुत सारा सरकारी कॉलेज में हमारे बच्चे हैं, नैन क्लासेस का स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज में, उन लोग से भी बोलिएगा तो मैं उन लोग का भी वीडियो बना के अपलोड कराऊंगा, खुद उन्हीं लोग के मुंह से भी। क्लियर? तो जो 2018 में दिए हुए हैं और एडमिशन ले चुके हैं उनका भी कहना है कि नेगेटिव नहीं है, उनका नंबर नहीं काटा गया था। क्लियर है? तो आप आराम से एग्ज़ाम दो अच्छे से। डाउट है, थोड़ा बहुत डाउट है, फिर भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आपको नहीं काटा जाएगा। तो 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है बिहार पॉलिटेक्निक का, मेनली पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, तो आप अच्छे से तैयारी करो। मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, मे बी झारखंड पॉलिटेक्निक उसमें मैं बोलूँ कि झारखंड के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसा नहीं है। बिहार पॉलिटेक्निक, UP पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, भारत का किसी भी राज्य का हो, सिलेबस सेम है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन आता है। तो मेरे चैनल में आपको पूरा अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। वीडियो बहुत सारा अपलोड है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का,
पूरा ट्रिक से, मैथ का वीडियो लगभग ट्रिक से है, फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम स्टोरी की तरह है, चैप्टर वाइज है, आप उसको अच्छे से देख लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।